सुपर न्यूज़ 24 कोलकाता में आप सबका स्वागत है। मैं आपका होस्ट शहनवाज आलम आदिल आज एक नई खबर के साथ आपके सामने आया हूं। जैसा कि पूरे भारत में लॉकडाउन 4.0 जो 31 मई तक अनाउंस किया गया था और आज मुल्क के हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये अनाउंस किया है कि लॉकडाउन 5.0 जो 30 जून तक पूरे भारत में चलेगा, जिसके तहत बहुत सारी सुविधाएं दी गई, बहुत सारी नरमी बरती गई है, जिसमें 8 जून से ये अनाउंस किया गया है कि रिलीजियस प्लेस, रेस्टोरेंट, मॉल और होटल्स वगैरह ओपन करने की आदेश दी गई है। बताता चलूं कि रिलीजियस प्लेस यानी मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा और चर्च में सिर्फ 10 ही लोग को अलाउड किया गया है, यानी 10 से ज़्यादा पर्सन जो है अलाउड नहीं होगा। और इसके अलावा मॉल्स ओपन करने की आदेश दी गई है, लेकिन मॉल्स के अंदर जो PVR वगैरह होते हैं या जो सिनेमा हॉल होते हैं उसे ओपन करने का आदेश नहीं दिया गया है। लॉकडाउन 5.0 जिसका फेज़ 1, जिसको अनलॉक 1.0 भी कहा गया है, जिसमें होटल, रेस्टोरेंट्स, मॉल और रिलीजियस प्लेस के अलावा हॉस्पिटलिटी सर्विसेज को भी ओपन करने की आदेश दी गई है। मैं बताता चलूं कि ये सब फैसिलिटीज़ कंटेनमेंट जोन्स के लिए नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से फेज़ 2 पर डिस्कस किया जाएगा जुलाई के महीने में, जिसके तहत स्कूल, यूनिवर्सिटी, स्विमिंग पूल, जिम और मेट्रो स्टेशन ओपन करने की बात की जाएगी। इसके बाद फेज़ 3 आएगा, जिसमें इंटरनेशनल एयर, मेट्रो स्टेशन, सिनेमा हॉल और इंटरटेनमेंट पार्क वगैरह को ओपन करने की बात की जाएगी। अभी फेज़ 1 में जहां देखा गया कि मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, मॉल, रेस्टोरेंट, रिलीजियस प्लेस वगैरह को ओपन करने का आदेश दिया गया है, इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें मैंडेटरी भी कर दी गई हैं, जिसमें नाइट कर्फ्यू यानी रात के 9 बजे से 5 बजे सुबह तक नाइट कर्फ्यू होगा, जहां लोग जो है बाहर नहीं जा सकते हैं। इसके बाद आरोग्य सेतु ऐप जो है उसे भी मैंडेटरी कर दिया गया है और फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को भी मैंडेटरी किया गया है। याद रहे कि वेडिंग, फ्यूनरल और लार्ज सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कोई रिलीफ नहीं दी गई है। वेडिंग में यानी शादी ब्याह में 50 से ज़्यादा लोग अलाउड नहीं हैं, वो भी आपके आस पड़ोस के ही लोग, और फ्यूनरल में 20 लोग ही अलाउड हैं, यानी 20 से ज़्यादा लोग आप नहीं ले जा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप तक जो जानकारी दी गई है हमारे चैनल के द्वारा आपको पसंद आई होगी। आप तक सही खबर पहुंचाने हमारा चैनल का काम है। आशा करते हैं कि आप अपने घर पे सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें। जय हिंद।